फॉग यार, मतलब सोच नहीं सकते। इधर की साइड देखो ना आप, तो कुछ दिख रहा है, एकदम धुंधला धुंधला सा दिख रहा होगा, क्योंकि फॉग के कारण ऐसा हो रखा है। सभी कुल्हड़ वाली चाय या फिर कुल्हड़ वाली लस्सी, तो रात हो गया ना, तो लस्सी नहीं चलेगा, तो कुल्हड़ वाली चाय ही पियेंगे। फाइनली गाइस, अभी तो यहाँ पे एंट्री ले चुके, और यहाँ से देखते हैं, अपना ऑनलाइन ही कटेगा, जो भी कटेगा ऑनलाइन ही कटेगा। बट ये देखो यार कितना कटा पता नहीं, ये तो मैसेज में ही बताया। फाइनली गाइस, ये अपना कार है, और लाइक मैं अभी आपको दिखा दूँ टाइम, तो मैंने बोला था ना 2:30 बज चुका है, ये देखो 2:29 हो रखा है, देख रहे हो गाइस। क्या ही बोले यार, मतलब इतना गंदा वाला यार फॉग एकदम, देख रहे हो भाई, मतलब मेरे को रहा नहीं जा रहा गाइस। अभी देख लो 6:15 हो चुका है, 6:12 हो चुका, और फॉग देखो यार सामने की साइड पे, बिल्कुल रोड पे एकदम आया हुआ फॉग यार। श्री राम गाइज, हर हर महादेव, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होगे, मस्त होगे, स्वस्थ होगे, और हमारे वीडियो देख रहे होगे। सो गाइज, अभी अपन लोग जा रहे हैं हरिद्वार, क्योंकि यार काफी दिनों से सोच रहे थे हरिद्वार जाने के लिए, और फाइनली आज अपने को टाइम मिल चुके, क्योंकि आज अपन लोग ट्रेन कैंसिल करके जा रहे हैं गाइज, क्योंकि आज अपना ट्रेन था, बट अपन लोग कैंसिल कर दी टिकट, और फिर अपन लोग 24 तारीख को फिर ट्रेन किए, और आज सोचे यार क्यों ना अपन लोग हरिद्वार का ट्रिप मार ले, क्योंकि यार काफी दिनों से अपन लोग वेट कर रहे थे हरिद्वार जाएंगे, क्योंकि मैं ना मतलब दो मंथ में एक बार हरिद्वार जाना चाहता हूँ, और फाइनली आज वो दिन मिल चुका है। तो अपन लोग क्विड कार से जा रहे हैं, जैसा कि पीछे की साइड देख सकते हो अपना कार, और अभी अपन लोग टोल टैक्स के पास आ चुके हैं, क्योंकि अपना पहला टोल टैक्स है, यहाँ से अपन लोग टोल टैक्स कटवाएंगे, फिर आगे की ओर जाएंगे, और यहाँ से तकरीबन नए भी मानो तो 160 किलोमीटर और बचा है हरिद्वार का डिस्टेंस। तो अभी देखते हैं कितना टाइम में कवर अप करते हैं, और अभी का टाइम मानो ना तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, 2:30 बज चुका है, और अपन लोग 2 बजे के आसपास निकले थे, 2 या फिर 1:30 बजे के आसपास निकले थे। टोटल 100 किलोमीटर या फिर 70 किलोमीटर के आसपास अपन लोग ड्राइव कर चुके, और अभी देखते कितना टाइम और लगता है अपने को। तो पहले मैं अभी ना आपको टाइम दिखाता हूँ कितना टाइम हो रहा है अभी। फाइनली गाइज, ये अपना कार है, और लाइक मैं अभी आपको दिखा दूँ टाइम, तो मैंने बोला था ना 2:30 बज चुका है, ये देखो 2:29 हो रखा है, देख रहे हो 2:29 हो रखा है, और ये अपना किलोमीटर देखो तो 23,325। तो अपना टोटल मानो ना तो नहीं भी तो 50-70-80 किलोमीटर चल चुका है, और सामने की साइड देखो अपना पहला टोल प्लाजा है गाइज, ये देखो ट्रक को भाई, बोलो कितना ओवरलोड कर लिया यार, देख रहे हो, प्लस भाई मतलब देख रहे हो रॉन्ग साइड से विदाउट हेलमेट गाइज, मतलब सोचो यार विदाउट हेलमेट कैसे लोग क्रॉस कर लेता है, मतलब समझ में नहीं आता भाई। और ये देखो सारा ट्रक इस समय क्या हो सकता है, आप लोग गेस करके बताओ कमेंट में, तब तक अपन लोग टोल प्लाजा क्रॉस करते हैं गाइज। फाइनली गाइज, देख सकते हो अभी अपन लोग टोल टैक्स क्रॉस करने वाले, तो देख रहे हो अपन लोग टोल एंट्री लेने वाले हैं। ये लो हमारे तरफ तो एक बस आ गई गाइज, बट देखते इधर का लेन खाली है, तो अपन लोग इस लेन में लेते हैं, और फिर यहाँ से देखते हैं कितना अपना टोल टैक्स कटता है यहाँ पे। सो फाइनली गाइज, अभी तो यहाँ पे एंट्री ले चुके, और यहाँ से देखते हैं, अपना ऑनलाइन ही कटेगा, जो भी कटेगा ऑनलाइन ही कटेगा। बट ये देखो यार कितना कटा पता नहीं, ये तो मैसेज में ही बताएगा कितना कटा होगा, बट यहाँ पे दिखाना चाहिए था, मैं भी अराउंड 90 रुपीज के आसपास कटा होगा, या फिर उससे ज्यादा कटा होगा, क्योंकि फर्स्ट टोल टैक्स है, इसके आगे शायद नहीं भी मानो तो कि तब 20-30 किलोमीटर बाद एक और टोल प्लाजा आने वाली है, तो अभी आने वाली है, तो अभी जस्ट वेट करते हैं, देखते हैं कितना किलोमीटर के बाद आती है टोल टैक्स नेक्स्ट। जैसा कि आप लोग देख सकते हो रोड का कुछ इस प्रकार ना जा रहा है, लाइक इधर से उधर से देख सकते हो, दो लेन में एक लेन इस तरफ है, एक लेन उसके उस तरफ है जो कि दिल्ली की तरफ जा रही है, और फिर यहाँ पे देखो ना तो एक लेन ये है और एक लेन ये है, एक लेन पे आपको टोटल 4 तरह का पट्टी दिखेगा, एक इधर स्टॉपेज वाला, इधर रनिंग ट्रैक है लाइक थोड़ा सा स्लो, उससे थोड़ा सा फास्ट, और उससे वो देखो सबसे फास्ट वाले और लास्ट वाली लेन है। तो इधर से ना मिड वाली जो इधर साइड वाली लेन है ना, इससे आप लोग कोई भी सिटी में कहीं से भी अंदर इन कर सकते हो, लेकिन इससे जाओगे ना तो आपको इन नहीं, डायरेक्ट आपको स्पीड में ही निकलना पड़ेगा, 180 ऐसे स्पीड में निकलना पड़ेगा। तो फाइनली गाइस, अभी पेट्रोल चाहिए, बट यहाँ पे तो मेरे को लगता है बंद हो चुका है यार, क्योंकि यहाँ पे तो कोई आदमी लोग भी नहीं दिख रहे, देख रहे हो, बट फिर भी अपन लोग देखते हैं यहाँ पे भरा पाता है तेल, मिल पाता है फिर नहीं मिल पाता है, तो देखते हैं गाइस। अच्छा आगे है, इंसान है भाई, भाई मतलब इंसान है, मेरे को ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे शैतान है, लेकिन इंसान भी है यहाँ पे। बट देखो यार फाइनली, क्योंकि देख रहे हो तेल का पूरा इंडिकेशन आ चुका है अपना पेट्रोल पंप पे, मतलब पेट्रोल पे कार में गाइस।
मतलब कुछ भी बोल देते ना कभी कभी। ये देखो यहाँ पे आ चुके हैं और अब अपने को तेल लेनी है, तो यहाँ पे स्टॉप करो, गाड़ी बंद होगा। सो फाइनली गाइज अभी पेट्रोल पंप पे आ चुके हैं और यहाँ पे देख सकते हो दो डॉगी और अपना यहाँ पे फिलअप हो रहा है कार में पेट्रोल, फुल टंकी करवा रहे हैं अपन लोग पेट्रोल लेना। भाई इधर तो 94 ही है, अपना बिहार की तरफ तो 106 ऐसा, और दिल्ली में 95 रुपीज का है, बट यहाँ पे तो काफ़ी कम है, 94 का ही है। और ये अपना क्विड जो कि काफ़ी क्यूट कार है, इसी में अपना तेल जा रहा है और ये पेट्रोल पंप पे अपन लोग आए हैं और अभी देखते हैं कितना टाइम लगता है फुल होने में ना, मतलब कितना जाता है ना मेरे को पता नहीं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा खत्म हो चुकी थी ना, तो फिर भी अपन लोग फुल ही करवा रहे हैं, तो अभी देखते हैं कितना तेल जाता है टोटल फुल में। सो फाइनली गाइस 17 लीटर, उसके बाद अपना ऑटोमेटिक सा ले लिया, ये देख सकते हो यहाँ पे ऑटोमेटिक सा ले लिया और टोटल कितना जाता है पूरे 1700 पूरा देंगे लगता है, तो 1700 हो गए 1699, मतलब 18 लीटर टोटल तेल गया है और थोड़ा बहुत फुल हो गया, मतलब पूरा फुल हो गया, बट फिर भी थोड़ा बहुत डाला जा सकता था, बट फिर भी अपन लोग नहीं डलवाते, ज़बरदस्ती का नहीं डलवाना। और उसके बाद आगे हवा चेक करवाएंगे और उसके बाद यहाँ से निकलेंगे डायरेक्ट रेस्टोरेंट की तरफ। सो अभी देख सकते हो गाइस, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो कितना फ्यूल टोटल आया ना, वो अभी आपको बता देगा। टोटल 500 किलोमीटर और चलेगी अपनी कार, तो 500 किलोमीटर में देखते हैं कितना डिस्टेंस अपन लोग जाते हैं, 500 किलोमीटर का तो दिया है बट देखते हैं फिर भी कितना देता है। और टोटल किलोमीटर देखो ना तो 23,328 किलोमीटर चल चुका है और 500 किलोमीटर शो कर रहा है, लेकिन कितना किलोमीटर चलता है वो आपको दिखाएंगे गाइस। फाइनली गाइस अभी देख सकते हो इधर पीछे की साइड काफी सारा ढाबा था बट कोई अपने को पसंद नहीं आया, आगे की साइड देखते हैं, आगे साइड ढाबा थोड़ा बहुत पसंद आ जाए तो काफी अच्छा होगा, वरना यहाँ पे आए हैं देखते हैं क्या खाने के लिए मिलता है, खाते पीते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं डायरेक्ट आगे की तरफ, तो आपसे डायरेक्ट मिलते हैं आगे की साइड गाइस। और इधर का देख सकते हो कुछ ऐसा है, लाइक यहाँ पे अपने को कोल्ड ड्रिंक ये सब लेनी है और यहाँ पे खाने पीने वाला प्योर भेज वाला कॉसिन कुछ ऐसा करके क्विसिन, तो अभी यहाँ से खाते पीते हैं कोल्ड ड्रिंक लेते हैं और उसके बाद यहाँ से निकलते हैं, फिर आपको आगे मिलते हैं डायरेक्ट गाइस, क्योंकि आगे और भी बहुत अच्छा सा चीज मिलने वाला और उसके बाद तो फिर डायरेक्ट हरिद्वार में ही मिलेंगे। तो देख सकते हो कुछ ऐसा होटल है और ये अपना कार है, ये अपना कार है, लाइक भाई थोड़ा बहुत तो कुछ मार दिया भाई, रखा ना भाई जब पार्किंग में रखा था ना उस टाइम ऐसा मार दिया, देख सकते हो ये वाली कितना गंदा मारा यार, सोचो यार देख के, मतलब मारने वाला भी ना सोचता नहीं है यार, बस जैसे भी मतलब हो जाता है ना मारपीट के निकल जाता है कार को, तो देख लो यार ये तो काफ़ी ज़्यादा एकदम पंच कर दिया यार, थोड़ा सा दुख होता है यार जब ऐसे देखते हैं ना तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। प्लस पीछे की साइड देखो ना, तो मैं आपको पीछे भी दिखा देता हूँ, पीछे की साइड भी देखो ना तो इसको भी ऐसा ही कर दिया, कार ऐसे ही रखा हुआ रहता है ना जब भी मैं आता हूँ ना तभी ये कार निकलती है वरना नहीं निकलती। तो गाइस फाइनली अपना दूसरा टोल टैक्स आ चुका है, लाइक मैंने बोला था ना भाई 30 किलोमीटर के आसपास, ये देख लो यार 30 किलोमीटर के आसपास में ही पड़ा अपना टोल टैक्स दूसरा वाला, क्योंकि अपन लोग 28 में दिखाए थे ना 328 और अभी 51 हो चुका है, तो 30 किलोमीटर के आसपास में पड़ा है। प्लस यहाँ पे देखते हैं पिछला बार तो 110-115 रुपए के आसपास कटा था, इसमें देखते हैं इसमें कितना कटता है, बट मैसेज आता है ना फोन में ऑटोमेटिक से ही काट लेगा, देखना अभी देखा ना गाइस, तो ऐसे ही ऑटोमेटिक से कट जाता है हमेशा हर टोल प्लाजा पे, तो बस फास्टैग रिचार्ज होना चाहिए। गाइज एक जगह और आ चुके अपन लोग, यहाँ पे अपने को चाय पीनी है, लस्सी पीनी है, कुल्हड़ वाली चाय और कुल्हड़ वाली लस्सी, उसके बाद यहाँ से अपन लोग अब डायरेक्ट मिलेंगे आपसे हरिद्वार में गाइज। तो गाइज इसके बाद ना अभी अपन लोग डायरेक्ट हरिद्वार में मिलेंगे क्योंकि ये अपना लास्ट स्टॉप है, इसके बाद ना अपना बचेगा टोटल में भी 80 किलोमीटर के आसपास और बचेगा, तो अब डायरेक्ट हरिद्वार में मिलते हैं और फिर वहाँ का आपको लोकेशन दिखाते हैं गाइज। तो यहाँ से भी कुल्हड़ वाली चाय या फिर कुल्हड़ वाली लस्सी, तो रात हो गया ना तो लस्सी नहीं चलेगा, तो कुल्हड़ वाली चाय ही पियेंगे। गाइस वेलकम टू उत्तराखंड और इधर भाई मतलब पूरा फॉग सा एरिया लग रहा है, लाइक अभी जिधर से क्रॉस किए ना भाई इतना ज्यादा फॉग था ना बता ही नहीं सकते, अभी ठंडा आया नहीं है और फॉग लगना स्टार्ट भाई, और बार बार मिरर यार इतना फॉग के कारण ना गंदा हो जा रहा था, बार बार अपने क्लीन करना पड़ रहा है। प्लस अभी का टाइम देखो ना, तो गाइज आप देख सकते हो कितना बच चुका है, 5:36:35, तो सोचो यार फॉग के कारण ही अपन लोग थोड़ा सा रुक गए थे, प्लस बार बार ग्लास एकदम गीला हो जा रहा था यार फॉग के कारण, धुंधला सा हो जा रहा था इसी कारण से रोके थे, बट फाइनली
ना वो थोड़ा सा सही हो चुका है, थोड़ा सा उजाला टाइप का भी आ चुका है, देख सकते हो सवेरा टाइप का हो चुका है। और कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा इधर गांव के साइड में अगर उधर के साइड देखो ना तो थोड़ा सा फॉग टाइप का है, बट नाउ इट्स ओके गाइस, रोड तो एकदम क्लीन अभी लग रहा है। लेकिन आप साइड में देखोगे ना तो इधर के साइड देख रहे हो थोड़ा सा फॉग टाइप का आपको लगेगा। प्लस इधर देखो रनिंग कैसे कर रहे हैं लोग, देख रहे हो भाई इतना सवेरे से ही, मेहनत करो भाई मेहनत इसी को बोलते हैं, तो मेहनत भी कर रहे हैं लोग, अच्छा लग रहा है यार। ऐसे दौड़ना भी चाहिए, रनिंग ये सब फिजिकल बहुत इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए, खास करके हम गांव के लोग तो करते हैं बट शहर के लोग बहुत कम ही लोग करते हैं। इधर देखो यार फॉग दिख रहा है, मतलब भाई देखो अभी ठंडा नहीं आया यार फिर भी फॉग, मतलब क्या ही बोल सकते हैं भाई, इतना जल्दी ठंडा इधर आ गया है। तो एक महीने बाद तो इधर रोड पूरा एकदम सील हो जाएगा भाई, जैसे पिछला बार आए थे ना हरिद्वार उस टाइम देखे थे ना कितना भयानक वाला फॉग था। अगर नहीं देखोगे ना तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप लोग वहां से जाके देख लेना वो वाली वीडियो। गाइस देखो विश्वास नहीं था ना फॉग, भाई देखो कितना फॉग है, दिख रहा आगे कुछ नहीं दिख रहा होगा अच्छा से यार, इतना ज्यादा फॉग है ना गाइस, इतना ज्यादा अभी से इतना फॉग यार, मतलब सोच नहीं सकते। इधर की साइड देखो ना आप तो कुछ दिख रहा है एकदम धुंधला धुंधला सा दिख रहा होगा क्योंकि फॉग के कारण ऐसा हो रखा है। प्लस देखते हैं अभी यहाँ से अभी तकरीबन 60 किलोमीटर है, प्लस ये देखो अपना फिजिकल ये लोग कर रहे हैं भाई, दौड़ना चाहिए यार, मैं तो यही बोलूंगा दौड़ो यार दौड़ो दौड़ो भाई, छोटे छोटे से बच्चे हैं भाई वो लोग भी रनिंग कर रहे हैं इस टाइम तो अच्छा अच्छा लगता है। देखिए लोग आ गए अपन लोग लास्ट टोल प्लाजा के पास जो कि उत्तराखंड वाला ही है ना ये, तो ये अपना लास्ट टोल प्लाजा है गाइस, इसके बाद अभी कोई टोल प्लाजा मिलेगी नहीं क्योंकि टोटल 3 ही टोल प्लाजा पड़ती है। और देखते हैं यहाँ पे ब्रिगेडियर खुलते हैं फिर नहीं खुलते ब्रिगेड, भाई खुल गया वैलिड फास्ट टैग इज वैलिड ऐसा कुछ दिखाया, बट भाई मतलब अभी देखो ना तो 6:45 हो रखा है, लाइक 5:42 हो रखा अभी तक अपन लोग पहुंचे नहीं है। मेरे को ऐसा लगता है ना 6:30 पूरे बच जाएंगे अभी, क्योंकि यहाँ से नहीं मानो तो 40 से 50 किलोमीटर है, 50 किलोमीटर अराउंड मान लो, 50 किलोमीटर देख लो यार कितना टाइम लगेगा, आप लोग अराउंड जोड़ दो 45 मिनट्स तो जरूर लगेगी ना, क्योंकि अपन लोग उतना भी नहीं 100-150 का स्पीड नहीं चल रहा है, बस लिमिटेड स्पीड है अपना 60-70 ऐसा। आज रहा नहीं गया यार लास्ट, मैंने सोचा ना चलो आप लोगों को शायद बिलीव ना हो ना तो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ फोग कैसा लगा हुआ है इधर के साइड, ये देख रहे हो 6:00 और 6:00 तक अभी तक मतलब सूरज भगवान का रोशनी भी नहीं आया। हमारे गांव में ना भाई अच्छा खासा एकदम रोशनी आ जाती सूरज भगवान का, लेकिन इधर देखो भाई उत्तराखंड में फॉग देख रहे हो उधर की साइड, भाई सारा पेड़ ये सब एकदम कवर हो चुका है फॉग के कारण, और अभी 6:00 रहा है पूरे गाइज, एकदम पूरे 6:00 चुका है फिर भी फॉग इतना है, तो सोचो गाइज इधर अभी से ही ठंड लग रही है अपने को, हाथ में ना एकदम थोड़ा ठंड ठंड सा ऐसा लग रहा है फॉग के कारण, जो भी है लेकिन ठंड लग रहा है। तो अभी भाई सितंबर का महीना है, इधर अभी से ही ठंड लग रही है प्लस फॉग इतना है भाई कि मतलब पूछो ही मत यार, बहुत ज्यादा थोड़ा सा ठंडा टाइप का लग रहा है, तो आप खुद देख सकते हो। मैं आपको लग रहा होगा ना कि भाई मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, लेकिन आप खुद देख लो ना उधर के साइड में, अभी आपको जूम करके दिखा देता हूँ, बट थोड़ा सा अंधेरा है ना तो जूम में भी थोड़ा सा फटेगा वीडियो में, बट फिर भी आप लोग देख लो गाइस, देख रहे हो भाई क्या ही सीन आ रहा है। और जो भी बाइक वाले जा रहे हैं ना अगर हेलमेट नहीं पहने हुए ना तो भाई पूरा टॉवेल से एकदम लपेट के जा रहा है मुंह में, सारा कुछ जा रहा है ठंडा ना लगे। प्लस अपना कार देखो सामने की साइड से, एक जो राइट साइड वाली है ना उसमें ज्यादा लाइट दे रही है और लेफ्ट साइड वाले कम लाइट देती है, पता नहीं ऐसा क्यों है, वो बीम लाइट में थोड़ा सा इशू होगा तो अपन लोग चेकअप करवा देंगे। और फिर भी यार देखो गाइस कितना ट्रक ये सब चलती है, ट्रक और बस, फोर व्हीलर तो बहुत कम ही चल रही है, सिर्फ अपना ही ज्यादातर फोर व्हीलर आ रही है। ये देखो एक फोर व्हीलर गया, दो दो तीन तीन ट्रक गया, फिर एक बस एक फोर व्हीलर, देख रहे हो ना आप लोग, तो कुछ ऐसा सीन है। सो अभी ना इतना बार बार उतरेंगे ना तो भाई ठंड तो लगेगी प्लस टाइम ज्यादा लगेगा वीडियो में। ये कहाँ है भाई, ये देखो देख रहे हो गाइस यार, मतलब मेरे को ना हम लोग का ना जनवरी और दिसंबर का ये जो कुआ होती है ना फॉग होती है ना वो भाई इधर सितंबर में देखने को मिल रहा है, वो भी आज 23 सितंबर है, तो आप खुद देख लो गाइज 23 सितंबर को अपने को अपने तरफ जो भी दिसंबर और जनवरी का जो फॉग होती है ना वो वाली दिख रही है।
सो गाइस क्या ही सीन आ रहा है यार, अपन लोग बिलीव नहीं कर रहे यार कि मतलब ऐसा पहले ही हो जाता, सितंबर में इधर हो जाता है उत्तराखंड में। भाई ऐसे ही थोड़ी बोलते हैं देवों का भूमि उत्तराखंड, भाई रियलिस्टिक है भाई, यहाँ पे देव का भूमि है। और गाइस क्या ही बोले यार, मतलब इतना गंदा वाला यार फॉग एकदम देख रहे हो भाई, मतलब मेरे को रहा नहीं जा रहा गाइस। अभी देख लो 6:15 हो चुका है, 6:12 हो चुका और फॉग देखो यार सामने की साइड पे, बिल्कुल रोड पे एकदम आया हुआ फॉग यार। मतलब अगर थोड़ा सा और पहले आते ना तो भाई रोड अच्छे से दिख नहीं रही थी, ऐसा पीछे का माहौल हो चुका था। बट अपन लोग फिर भी थोड़ा सा वेट किए थे, 1-2 घंटे वेट किए थे, उसके बाद इधर से आए ना। फिर भी यार माहौल देखो यार, इधर ऐसा माहौल है कुछ, एकदम फॉग में घुसे हैं गाइस। ये देखो, देख रहे हो भाई, हम लोग ना इसको कुहा बोलते हैं बिहारी भाषा में ना, इसको कुहा बोला जाता है। और इधर के लोग सारे लोग, बाहर के लोग फॉग बोलते हैं। ओ भाई भाई ये तो बाइक वाला गायब हो गया यार, गजब यार, मतलब क्या सीन है भाई, किधर घुस गए अभी ये भाई साहब, कोई दिख ही ना रही है भाई। ये देखो ये रनिंग कर रहे थे भैया, नहीं दिख रहे थे, और अभी देखो पूरा का पूरा फॉग में घुस चुके हैं भाई। वाइपर ऑन कर लेते क्योंकि यार काफी ज्यादा आगे से ना धुंधलापन हो जाता है फॉग के कारण। ये भाई साहब ऐसा माहौल है यार अभी के टाइम में ही, मतलब मंजर देख रहे हो भाई। ये देखो सारे लोग लाइट जला के क्रॉस कर रहे हैं क्योंकि यार मतलब फॉग के कारण दिखती नहीं है ना, तो लाइटनिंग थोड़ा सा आपको देना पड़ेगा, तो इसलिए अपना हेडलाइट सब बढ़ा जला के चल रहे हैं अपन लोग, ऑन करके चल रहे हैं। और इधर के साइड देखो फैक्ट्री ये सब है सारा कुछ में भी, और ये देखो सामने के साइड फिर से फॉग। भाई साहब मतलब ये मानने वाला में से नहीं है भाई, मेरे को लगता है ना जब नवंबर दिसंबर आएगी ना उस टाइम तो भाई चक्का जाम होगा, इस टाइम डेफिनेटली चक्का जाम होगा भाई। क्योंकि पिछला बार हम लोग कब आए थे, जब मैं मंटू ये सब आए थे ना साथ में, लगता है नवंबर के आसपास आए थे, दिसंबर के आसपास आए थे, उस टाइम भी एकदम फॉग, उस टाइम तो आप लोग देखे ही होंगे ना। बाकी मैं आपको लिंक तो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग देख लेना। और इधर की साइड देखो भाई, भाई साहब ये देख रहे हो फ्लाईओवर के नीचे यार, क्या ही गंदा वाला फॉग है भाई। सो चलो कोई ना यार, अभी तो कुछ बोल ही नहीं सकते गाइस, कितना टाइम लगेगा अभी और जाने में। फॉग के कारण गाड़ी भी स्लो चला रहे हैं, लाइक देख सकते हो 66 का स्पीड है सिर्फ, और अभी 6:15 हो गया है। ये देखो भारत पेट्रोलियम, अच्छा से दिख भी ना रहा था भाई। सो चलो भाई क्या ही दिक्कत है यार, मतलब कुछ ऐसा वाला फॉग कैसे आ गया यार।